आज ये 13 अक्टूबर का दिन जो हम एक महीने से मुसलसल जद्दोजहद कर रहे थे कि मुस्लिम आरक्षण और संविधान बचाओ, जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है उसी तर्ज पे मुसलमानों के रिजर्वेशन की भी जो है मसाइल है। पिछली हुकूमतों के अंदर हुकूमतें आती हैं जाती हैं, लेकिन रिजर्वेशन के वादे करते हैं, इलेक्शन आते हैं फिर रिजर्वेशन के वादे करते हैं और भूल जाते हैं। तो लिहाजा 25 साल से माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र का ये सफर चालू है और ये सफर को आगे बढ़ाते हुए आज हमने अजीमत की राह चुनी है और वो अजीमत की राह ये है कि इस औरंगाबाद शहर से बॉम्बे मंत्रालय तक हमारा पैदल मार्च रहे और ये मार्च जो है मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुकों से गुजरते हुए वहां पहुंचेगा और जो रिजर्वेशन की मुसलमानों की मांग है वो मुसलमानों की मांग को जो है हम हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि वो रिजर्वेशन की मांग को माने। उसी जो दूसरा बड़ा मुद्दा है इसके अंदर वो जो है संविधान का है। जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, बार बार जो है खलमों को बदला जा रहा है, उसी तरीके से जो है मुस्लिम रिजर्वेशन को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। ये दो मुद्दे लेके हम इस वक्त जो है जामा मस्जिद के बाहर, आम खास मैदान के बाहर खड़े हैं और हम तमाम यहाँ मीडिया के जिम्मेदारों से ये गुजारिश करते हैं कि ये हमारा पैदा पैगाम को उन तमाम इंसाफ पसंद लोगों तक पहुंचाए कि जिन्होंने वो लोग जो इस वक्त हकदार है, हम कह रहे हैं सरकार को हक दो, हकदार को मुसलमान
सबसे पहला हक रखता है कि इस रिजर्वेशन को देने का। हाई कोर्ट के कानूनदानों ने भी ये ऐलान कर दिया है कि मुसलमानों को कम हैसियत में 5% रिजर्वेशन जो है तालीम में दिया जाए, ये ऐलान कर दिया है। लेकिन इस 5% रिजर्वेशन पे हमारा कुछ होने वाला नहीं है, हमारा मुतालिबा बड़ा है और ये मुतालिबे को लेके हम जो है मैदान में कूदे हैं। लिहाजा फिर मीडिया से लोगों से गुजारिश है कि वो हमारे इंसाफ पसंद जितनी अवाम है उन तक ये पैगाम पहुंचाए कि ये दो मुद्दे जो पूरे मुल्क के अंदर, एक तो मुसलमानों से नाइंसाफी का और दूसरा संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का, ये संविधान के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है उसको भी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज इसलिए हमने ये राह चुनी है, हम चाहे तो गाड़ियों पर भी जा सकते थे, हम चाहते तो मोटरसाइकिल पर भी जा सकते थे, लेकिन हमने ये रास्ता चुना नहीं। हमने ये अजीमत का रास्ता इसलिए चुना कि हुकूमत रोज ये बात पर गौर करे कि आज ये दो मुद्दे जो है, मुस्लिम रिजर्वेशन और संविधान बचाओ, ये दो मुद्दों को लेके माइनॉरिटी काउंसिल का ये काफिला, अल्हम्दुलिल्लाह 100 नौजवानों का ये काफिला औरंगाबाद से रवाना होगा और जो है मंत्रालय तक ये पैदल सफर करेगा। हमारे को प्रशासन ने इस वक्त बहुत ताउन किया, हमारे को सारी परमिशनें मिल गई यहां तक कि यहां से हम जाए, तो हम प्रशासन का भी शुक्रिया अदा कर सकते हैं और प्रशासन से ये मुतालबा करते हैं कि आने वाली जो सूरत हाल रहेंगी वहां पर हमको ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत महसूस होगी। शायद शहर पसंद लोग जो है कुछ हरकत कर दे, तो लिहाजा हमारी उनसे भी गुजारिश है कि वो हमारी हिफाजत के अंदर कमर बस्ता हो जाए। लिहाजा मैं फिर मीडिया से लोगों से गुजारिश करता हूं कि वो हमारे को ताउन करें और हमारी इस आवाज को इंसाफ पसंद लोगों तक पहुंचाए। शुक्रिया। आज जो मुस्लिम आरक्षण के लिए जावेद भाई जो लॉन्ग मार्च वहां पर यहाँ से शुरू कर रहे हैं बॉम्बे तक मंत्रालय तक, उसको वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर के आदेश से हम सब कमेटी के साथ में है। और दूसरी बात, हर जिले में वंचित बहुजन आघाड़ी के सभी कार्यकर्ता पूरे ताकत के साथ इनके साथ में रहेंगे, ये आदेश भी बाबा साहब अम्बेडकर ने निकाला है। और मुस्लिम आरक्षण का जो ये लड़ा है, हम वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी ताकत के साथ इन लोगों के साथ में खड़े हैं, पहले भी खड़े थे और आज भी जो लॉन्ग मार्च आज शुरू हो रहा है उसके लिए हम इनके साथ में पूरी ताकत के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी खड़ी है। रिजर्वेशन का जो मूवमेंट है वो 2002 से चालू है और छड़ी का हम जो है तो कोशिश कर रहे हैं, जो है तो प्रेसिडेंट से मिले और यहाँ से मिले, उसके बाद से कंटिन्यूस हमारी कोशिश चालू है। और आज जो है क्यादत में जो हम लोग पैदल मार्च औरंगाबाद से मुंबई निकाल रहे हैं और ये मार्च जो है तो जब तक चालू रहेगा जब तक हमारे को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जब रिजर्वेशन मिलेगा तभी हम जो है तो खामोश बढ़ेंगे, तब तक हम खामोश बढ़ने वाले नहीं है। इसलिए अभी जो हमारे हुकूमत से गुजारिश है कि जल्द से जल्द मुसलमान को रिजर्वेशन दिया जाए, जो 5% रिजर्वेशन बंद किया गया है वो 5% रिजर्वेशन भी जारी किया जाए और उसके अलावा और 5% रिजर्वेशन ऐसा 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है जब तक के ये मार्च चालू रहेगा, जैसा कि जांच कमीशन ने कहा कि अगर पैरों में छाले भी आ गए तो हम ये मार्च जारी रखेंगे और आगे तक जारी रहेगा। हमारा बोलना ये है कि आज़ादी के वक्त से मुसलमानों को रिजर्वेशन का झांसा हुकूमतें देते आ रही है, लाख कोशिश करने के बावजूद भी हुकूमत हमको रिजर्वेशन दे रही नहीं है। जिन लोगों के ऊपर रिजर्वेशन लागू नहीं होता उन लोगों को रिजर्वेशन के लिए भाग दौड़ चालू है और जिन लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए कानूनदानों ने जो है सिफारिश की है, हाई कोर्ट ने जो है हुकूमत से में मुतालबा किया कि मुसलमानों को तालीम में कम से कम 5% रिजर्वेशन दिए, लेकिन हम तालीम से खामोश बैठने वाले नहीं हैं।
یہ ریزرویشن ہمارے لیے ناکافی ہے. جو ہمارا حق ہے وہ ہم کو ملے ملے, یہ مطالبہ لے کر آج اورنگ آباد کے یہ نوجوان جیالے جو ہے راستے سے پیدل ممبئی تک مارچ نکال رہے ہیں. چاہے کچھ بھی ہو جائے, ہمارے پیر پھوٹ جائے, ہمارے پیروں میں سے خون نکل جائے, ہماری صحت کی ایسی کی تیسی ہو جائے, لیکن یہ مارچ وہاں منترالے تک تکمیل کو جائیں گا. اور یہ جو دو مطالبات میروڈی کونسل آف مہاراشٹرا کے ہیں, یہ دو مطالبات, ایک تو مسلمانوں کا ریزرویشن اور دوسرا جو ہے سمویدھان بچاؤ. جس طریقے سے بابا صاحب کے سمویدھان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے, یہ سمویدھان کے اندر کوئی بدلاؤ کو ہم قبول نہیں کریں گے, ہم ماننے والے نہیں ہیں. یہ دو مطالبات لے کر ہم انشاءاللہ اب روڈ سے نکل گئے ہیں. اللہ خیر کرے, آپ تمام میڈیا کے ذمہ داروں سے میری یہ گزارش ہے کہ انصاف پسند لوگوں تک ہماری بات پہنچائے کہ یہ ریزرویشن اور سمویدھان بچاؤ, یہ دونوں مطالبات ہمارے پورے ہونے چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے. شکریہ. रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.